स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो नॉर्मल पोर्टल प्रेशर होता है उसकी वैल्यू 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, इससे एक्सीड कर जाती है, ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाती है, तो क्या होता है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है जिसमें। और जो पोर्टल हाइपरटेंशन उसका इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, नॉन सिरोटिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन सिरोटिक मतलब नो सिरोसिस, नो एसाइटिस, नो जॉन्डिस, नो एनकेफेलोपैथी एक्सेट्रा। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब जो प्रेशर है पोर्टल वेन का, पोर्टल प्रेशर है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 10 mm मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके टर्म से ही क्लियर हो जा रहा है क्या चीज़ नॉन सिरोटिक, नाम से देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, नॉन सिरोटिक मीन्स क्या हो गया, हो गया नोएसाइटिस, नो हेपेटिक फेलियर, नो जॉन्डिस, नो हेपेटिक फेलियर, और नो सिरोसिस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका हम कह सकते हैं कि हमें कोई साइन एंड सिम्टम्स हेपेटिक फेलियर के नहीं देखने को मिलेंगे इसमें, नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटिक फेलियर। ठीक है, नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन में हमें हेपेटिक फेलियर के कोई साइंस और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, हमने इससे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ा था, उसमें क्या था, पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है उसके दो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशंस पढ़ी थी। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन वो क्या थी, एक थी वायरिसियल ब्लीडिंग और दूसरी थी स्प्लेनोमेगैली। अब वो चाहे सिरोटिक हो पोर्टल हाइपरटेंशन, चाहे नॉन सिरोटिक हो, चाहे पोर्टल, लेकिन उसमें दोनों में क्या होगा, यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन है स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, शायद आप स्प्लीन इंक्रीज कर जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें सिरोसिस तो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ और मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन दोनों क्या होता है, वो दोनों होता है वेरिसियल ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। ठीक है, नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब ये देखते हैं इसके टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देख, ये होता है दो तरह का, एक तो होता है ESPVO और एक होता है NCPF। ESPVO, इस दोनों टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग, ESPO एंड NCPF। ESPO एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। ESPO में क्या देखने को मिलता है, हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं पहले, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ ESPO और NCPF में डिफरेंस भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो ESPO होता है इसमें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है फर्स्ट ये, और यहाँ पे ये दिख रहा है पोर्टल वेन में, ये दो जगह यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नाम सही लिख रहा है, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा हेपेटिक लीवर के बाहर पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच यहाँ पर जो, और इसको क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ब्रांच। तो इसमें क्लाइन होते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ब्रांच, कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्प्लेनिक वेन्स एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया।
और दूसरा क्या हो गया जो फर्स्ट एंड सेकंड डिकेट, फर्स्ट एंड सेकंड डिकेट मेल कंडीशंस ज्यादा देखने को मिलती है, फर्स्ट एंड सेकंड डिकेट में पाई जाती है ज्यादातर। और इसमें क्या है जो स्प्लीनोमिगैली है वो लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू एनसीपीएफ नॉन सिरोटिक वाइटिलाइगो। स्प्लीनोमिगैली, स्प्लीनोमिगैली लेस कॉमन, अगर होगी तो क्या होगी माइल्ड टू मॉडरेट लेस कॉमन। ब्रैकेट में क्या लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या बताया था, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन था ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ, कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन एंड एसएमवी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, एसएमवी, ठीक है। साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आपको फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच, इसको क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर ब्रांच, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ब्रांच, ठीक है। ये पॉइंट पता होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। और इसमें नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस में क्या होता है, इसमें देखो होता है, इसमें जो होती है फाइब्रोसिस होती है, ये थर्ड ऑर्डर ब्रांच है, यहाँ पर क्या हो गई ब्रांच में हो गई थर्ड ऑर्डर ब्रांच, और ये क्या हो गई फोर्थ ऑर्डर ब्रांच, फोर्थ ऑर्डर ब्रांच। फाइब्रोसिस इसमें कहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर ब्रांच। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कंजक्शन से ये फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। उन कंडीशन को, उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एक तो होता है विनाइल, विनाइल क्लोराइड, दूसरा क्या होता है, होता है आर्सेनिक, आर्सेनिकम, और तीसरा क्या होता है कॉपर, बीएसी, इसने मोनिक से याद किया जा सकता है वैक, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस होती है ईएचपीओ तो फर्स्ट एंड सेकंड डिकेट ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन जो एनसीपीएफ है ये थर्ड टू फोर्थ डिकेट में ज्यादातर देखने को मिलती है, मतलब 30 से 40 साल की एज की, एज ग्रुप में कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो होता है स्प्लेनोमिगैली, अगला पॉइंट है स्प्लेनोमिगैली इज मोर कॉमन, स्प्लेनोमिगैली ज्यादा देखने को मिलेगी। स्प्लेनोमिगैली हो तो कौन से, किस तरह से होगी, मॉडरेट टू मैसिव स्प्लीनोमिगैली देखने को मिलेगी, ठीक है। ईएसपीओ में कैसे देखते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, तो ये डिफरेंस है। अगर हम लोग सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, चलो सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं ईएसपीओ एंड एनसीपीएफ में क्या होती है। डाल लीजिए सिमिलैरिटी बिटवीन ईएचपीपीओ एंड एनसीपीएफ नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस, तो देखो दोनों में क्या नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉन सिरोटिक है तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिपेटिक फेलियर को नहीं देखने को मिले दोनों में ही, नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिपेटिक फेलियर, ठीक है। और कहीं देखने को मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगी, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या हो दिखाई देगी, वेरिसियल ब्लीडिंग, वेरिसियल ब्लीडिंग होगी तो फिर क्या होगी हेमेटोमाइसिस होगी, हेमेटोफ ब्लीडिंग, वेरिसियल ब्लीडिंग, ये दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्प्लीनोमिगैली
कम ज्यादा होगा, किसी में ज्यादा बढ़ जाएगी साइज, किसी में कम बढ़ेगी। एज जैसे कि ईएसपीओ में कम बढ़ती है और ईपीएफ क्या होता है एनसीपीएफ में साइज पर ज्यादा बढ़ता है, लेकिन देखने को दोनों में मिलेगी। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज हो गई। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।